हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बनाया है पनीर टिक्का। चलिए पनीर टिक्का की रेसिपी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने लिया है शिमला मिर्च 3 कलर का और टमाटर प्याज। इसको अच्छे से धुल के कट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने स्कूप में इस टाइप से काटना है। ये देखिए पूरा जो मिर्ची वगैरह अंदर का रहता है, ये देखिए पूरा बीज वगैरह सब निकाल देना है। फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं बीज को। हमने 3 रंग का लिया है शिमला मिर्च, आप चाहिए तो 1 कलर से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्याज को हमने बीच से कट कर लिया है 4 भाग में, और ये देखिए अंदर का सब निकाल के रख दिया है और इसका जो ऊपर का रहता है वो सब निकाल के इसमें बनाने के लिए ले लिया है। ग्रीन कलर का मिर्ची लिया है शिमला, इसका भी हमने सब निकाल दिया है। फ्रेंड्स, हमने इसका सब बीज वगैरह साफ करके रख लिया है। टमाटर के बीज अंदर का भी बीज जो होता है उसको भी हमने निकाल के रख दिया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने सब तैयार कर लिया है। हमने लिया है 1/2 किलो पनीर। पनीर को ये देखिए हम इतना मोटा मोटा काटेंगे चौकोर में, देखिए इसी प्रकार से कट कर लेना है। ये देखिए पूरा पनीर हमारा कट चुका है। फ्रेंड्स, पनीर टिक्का का मसाला बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन। पैन को गर्म कर लिया, अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। इसको अच्छे से भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारा ब्राउन हो गया है, हमें एक बर्तन में इसे निकाल लेना है। इसमें निकाल के इसमें डालेंगे, थोड़े मसाला ऐड करेंगे हम। 2 चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अजवाइन हमने लिया है 1 चम्मच, इसे अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और इसे फूक लेंगे तो इसे अजवाइन की खुशबू अच्छी आ जाती है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मेथी 1 कस्तूरी मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, नींबू का रस, 2 नींबू का रस हमने निकाल के रख लिया है, लगभग 3-4 चम्मच है। ये दही, दही हमने एक कपड़े में छान के पूरा अच्छे से रख लिया था, ये 1/2 किलो लगभग दही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से पूरा बैटर तैयार कर लेंगे हम। देखिए इस प्रकार से ये हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ थोड़ा धनिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ये देखिए हम डालेंगे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च हरा, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इसी प्रकार से इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए पनीर, देखिए इसको भी अच्छे से पूरा मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्स हो गया है, अब इसको हम एक लकड़ी में पूरा गोद के रख देंगे। ये देखिए पहले हम सब्जी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इसमें पनीर। ये देखिए एक एक प्रकार की सब्जी हम लगाते जाएंगे और अच्छे से उसके बाद में इसको इसी में लगाते जाएंगे। और ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। इसी प्रकार से हम अपना पूरा चलिए तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक एक करके देखिए ये हमारा इतना तैयार हो गया है। ये चलिए इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको सेकने के लिए हमने लिया है एक पैन। पैन पे हम देखिए हमने राई का तेल लिया है, इसको अच्छे से लगा देंगे। आप चाहिए तो मसाला बनाते समय भी राई का तेल गरम करके और उसके अंदर डाल सकते हैं, पर हमने ऊपर से राई का तेल लगाया है। फ्रेंड्स, देखिए इसको अच्छे से हमें पका लेना है, धीमी आंच में पकाना है। 10 से 15 मिनट ये पकेगा धीमी आंच में। देखिए इसको पलट लेते हैं पूरा, ताकि हमारा चारों तरफ पलट पलट के पका लेंगे, ताकि हमारा अच्छे से पनीर और सब्जी सब पक जाए। इसी प्रकार से हमें सब पका लेना है। ये देखिए हमारा पक गया है, हमने चारों तरफ पलट के पका लिया है। अब इसको थोड़ा सा ये हमने लिया है एक आगी, आग के ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे घी, को थोड़ा सा धुआं का फ्लेवर दे देंगे तो बहुत अच्छा स्मोकिंग फ्लेवर आएगा। फ्रेंड्स, देखिए इसे ढक के रख देना है।
देखिए हमारा ये धुआं इसके अंदर घुस गया है, तो स्मोकी फ्लेवर आ गया है। देखिए हमारा रेडी है। इंजॉय फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।